व्यक्ति पर की गई जिला बदर की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर पहली बार नागौरी समाज के लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और संभागा आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौरी समाज के वरिष्ठ इरशाद नागौरी एवं मोहम्मद सलाम नागौरी ने बताया कि उज्जैन रोड बीमा हॉस्पिटल चौराहा निवासी रियाज पिता जमील नागौरी, जो कि समाज के ऊर्जावान व्यवहार कुशल युवा सामाजिक कार्यकर्ता है, विगत 9 वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता के रूप में कार्यशील है। इस नाते वे सतत जनहित के कार्य एवं रचनात्मक गतिविधियों को संचालित करते आ रहे हैं। विगत वर्षों में उनका किसी से भेदभाव नहीं रहा है और ना ही किसी प्रकार की असामाजिक, अराजक एवं गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त रहे हैं। नागौरी समाज उनकी सक्रियता, ऊर्जा, लगनशीलता एवं कर्मठता के माध्यम से समाज उत्थान एवं भलाई को देखता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर जिला कलेक्टर द्वारा जिला बदर की दंडात्मक कार्रवाई की गई है। नागौरी समाज ने कलेक्टर सहित संबंधित जवाबदारों से अपील की है कि समाज के युवा सामाजिक कार्यकर्ता रियाज नागौरी के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्रवाई को निरस्त करने की कृपा करें, ताकि उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर न पड़े एवं समाज का अहित न हो। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ आबिद नागौरी, फिरोज नागौरी, फारूक नागौरी, अंजिम नागौरी, सलीम नागौरी, शरीफ नागौरी, मास्टर असलम नागौरी, अजहर फारूक नागौरी, शौकत नागौरी, अफजल नागौरी, शकील नागौरी, इशहाक फारूक नागौरी, सलीम नागौरी, रफिक नागौरी, इब्राहिम बेजी, अरशद नागौरी, जब्बार नागौरी, अक्रम नागौरी, इशामुद्दीन नागौरी, वसीम नागौरी, गुड्डू नागौरी सहित बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित थे। और यह तो क्या, पूरा प्रकरण जो है राजनीति से प्रेरित है, उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप नहीं है जिससे जिला बदर की कार्रवाई करना पड़े। और देवास शहर को रियाज नागौरी से इतना खतरा नहीं है कि जिला बदर की कार्रवाई करके उसको देवास से बाहर भेजे। वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर सात से पार्षद का दमनता से दावेदारी कर रहा है और उसको टिकट मिलने की 100% संभावना थी। तो राजनीति द्वेष के कारण उसको जिला बदर किया गया है। और हमारा समाज बिल्कुल शांति भी है, हमारे समाज के जितने भी लोग देवास में रहते हैं उनके ऊपर किसी के ऊपर भी आपराधिक प्रकरण किसी भी तरह का किसी भी थाने में पंजीबद्ध नहीं है। और अभी यहाँ जो जितने लोग खड़े हैं इनके ऊपर भी किसी के ऊपर भी प्रकरण नहीं है। मेरे को 40 साल हो रहा है राजनीति में, मेरे ऊपर एक भी प्रकरण किसी भी प्रकार का नहीं बना है, जबकि मैंने कई बार गिरफ्तारियां भी दी है राजनीतिक पार्टी की तरफ से। और ये पूरा वो सामाजिक कार्यकर्ता है और सारे समाजों के हित में काम करता है। और ये राजनीति द्वेष है जिस कारण से उसको जिला बदर की कार्रवाई की गई, ये निरस्त किए जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या नाम? इरशाद नागौरी, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री।